हेलो भाई लोग, आगे न्यू ब्लॉग के साथ। और आज के वीडियो में भाई अपन लोग इस भाई के कमेंट पे काम करेंगे, ठीक है। सो भाई का कमेंट ऐसा है कि भाई आप मोशन ब्लर इफेक्ट कैसे डालते हो। तो मैंने बोला था भाई आप लोगों को, आपको जो कंटेंट चाहिए आप मेरे को कमेंट करो, मैं पक्का बनाने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल मैंने एक और चीज़ बताई थी कि भाई ये ऐसा कंटेंट देना जिसमें अभी मेरा पैसा ना लगे ज़्यादा, क्योंकि भाई उतना पैसा है नहीं कि मैं मॉडिफिकेशन वगैरह ये सब करा सकूँ। और जैसे ही पैसे आते हैं तो मैं ज़रूर कराऊँगा, आप लोगों को बिना पूछे भाई ज़रूर कराऊँगा, ठीक है। सो अभी आते हैं भाई लास्ट वीडियो के सबसे प्यारे कमेंट्स पे। सो भाई लोग, ये रहे लास्ट वीडियो के सबसे प्यारे कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच मेरे भाई लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। और भाई कमेंट बोले तो मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही शौक हो रहा हूँ। मतलब ये भाई का कमेंट होगा, ये ब्राज़ील से मेरे को, मतलब एक व्हील कवर का मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं चेक किया तो जाकर चेकआउट करो। सो भाई ब्राज़ील से मैसेज कर रहे हैं, सॉरी ब्राज़ील से उन्होंने कमेंट किया है कि भाई आप मेरे को व्हील कवर सेंड कर सकते हो। तो भाई कैसे करते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं भाई, ब्राज़ील मतलब अबाउट भाई कैसे सेंड करते हैं कोई चीज़ें, कैसे कुरियर करते हैं, ये सब के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो आई थिंक सो नहीं हो पाएगा, पर भाई आप ब्राज़ील से हो और मुझे नहीं मालूम आप हिंदी जानते हो नहीं जानते हो, फिर भी आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, मतलब आप हिंदी शायद जानते होगे। तो अगर आप हिंदी जानते हो तो मैं तो बोलूँगा इंडिया में आओ और एक बार विजिट करके ज़रूर जाओ, और व्हील कवर भी लेके चले जाना आपके पास अगर एन स्टैंडर्ड हो तो। आई होप करता हूँ आपके पास मेरे पास जो बाइक है वही आपके पास बाइक होगी, ठीक है। तो भाई लोग आते हैं आज के कंटेंट पे। सो कंटेंट जैसे मैंने बताया आपको, मोशन ब्लर इफेक्ट भाई कैसे बैठाते हैं एक वीडियो में या फिर कैसे अप्लाई करते हैं एक वीडियो में। सो इसके लिए भाई आप सबसे पहला आपके पास एक एक्शन कैमरा होना चाहिए। जो वह भी तो मेरे दो एक्शन कैमरे के बारे में आइडिया है मुझे कि ये दोनों मोशन ब्लर इफेक्ट देते हैं, और आई थिंक DJI Osmo भी शायद देता है। मैंने उसके बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने कभी वो यूज़ नहीं किया। सो मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, पर जो अभी फ़िलहाल जो कैमरा मेरे पास है वो Insta360 जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और Insta360 में भाई ऐसे फीचर्स आते हैं जिससे आप मोशन ब्लर इफेक्ट कर सकते हो। सो पहले आप लोग भाई ये स्क्रीन रिकॉर्ड चेक करो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ भाई लोग कि कैसे मोशन ब्लर इफेक्ट Insta360 है आपके पास तो कैसे अप्लाई करते हैं। सो ये लोग आ चुके हैं होम स्क्रीन पे, आप कैमरा कनेक्ट करके लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1x2 नाम से वाईफाई चालू है, सो उसको कनेक्ट कर लेते हैं। और अभी जाते हैं भाई सीधा अपने Insta360 ऐप पर। सो स्क्रॉल करते हैं, ये रहा भाई अपना Insta360 ऐप, इसको ओपन कर दिया भाई लोग। अभी आपको कैमरा मैकेनिज्म को समझा देता हूँ, मतलब कैसा इसका कैमरा वर्क करता है। सो ये है भाई 360 मोड में, और आप ऊपर देख सकते हो भाई लोग 4K 50fps पे अभी है, और हम लोग 5K 30fps तक भाई इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इसका रेजोल्यूशन। सो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। और ये रहा भाई अपना लैंडस्केप मोड, मतलब जैसे मैं व्लॉग्स रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैं 360 में रिकॉर्ड नहीं करता भाई, उसमें ज़्यादा स्टोरेज जाता है। सो मैं लैंडस्केप मोड में रिकॉर्ड करता हूँ, और लैंडस्केप मोड में आपको दिखा देता हूँ कैसा रहता है। लेंस निकाल लो एक बार। सो ये देख सकते हो आप लोग भाई, ये है लैंडस्केप मोड, और सामने देख सकते हो मतलब जैसे मैं चल रहा हूँ मोबाइल लेके। सो आपको समझ आ गया होगा। और भाई यहीं पर एक और 360 मोड, सो ये मैंने स्विच कर दिया भाई 360 मोड में। और 360 मोड आप ये देख लो ऐसा है कुछ, ये देख लो, ठीक है। मैं जहाँ पर भी चाहूँ वहाँ पर स्वाइप कर सकता हूँ, ये देख सकते हो मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा भी व्यू आ रहा है। सो अभी आते हैं भाई अपने जहाँ पे वीडियो रेंडर करना है। सो भाई ये वाला वीडियो पिक करते हैं सबसे पहले, और इसमें मेरे हिसाब से भाई हमको थोड़ा सा क्रॉप करके लेंगे भाई। पहले आपको वीडियो चेक करा देता हूँ, देखिए मेरे नॉर्मल वीडियो है और इसमें मोशन ब्लर इफेक्ट। सो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मोशन ब्लर इफेक्ट का ये मोड है। सो इसको दोनों साइड हम लोग स्प्रीड और ये क्या इंटेंसिटी ऐसा कुछ है। सो इसको अगर फुल कर देंगे सो वीडियो अलग वे में बढ़ जाता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको क्रॉप करके लेते हैं क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज भरने का कुछ फ़ायदा नहीं, छोटी सी आपको क्लिप दिखानी है। सो अभी इसको रेंडर करते हैं, और इसके मतलब मोशन ब्लर इफेक्ट अभी इसको पूरा हटा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं लगाऊंगा। और इसको भाई 140p पर, इसको 100fps पर मैंने कर दिया है भाई। अब रेंडरिंग चालू, और अभी वेट करते हैं भाई फटाफट ये रेंडर हो जाए। 1.8 और ये यहाँ पे हो चुका है भाई पूरा वीडियो रेंडर। और अब भाई इसका मोशन ब्लर इफेक्ट पूरा 100% करके भाई अब इसको रेंडर करेंगे, ठीक है। अभी इसको लगा दिया मैंने रेंडर में, और फिर से वेट करते हैं। या 99.9 एंड भाई हो चुका है सेव। सो अभी आप लोगों को इन दोनों वीडियोस में डिफरेंस दिखा देता हूँ, मतलब मोशन ब्लर होता कैसे। अभी तो मैंने दिखा दिया मतलब मोशन ब्लर अगर Insta360 है आपके पास तो कैसे अप्लाई करना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई कि मोशन ब्लर आखिर में इफेक्टिव है कैसे, मतलब व्यू कैसे आता है, उसका दिखता कैसे। तो ये देख लो भाई, मैंने अपनी गैलरी ओपन की और इसको भाई लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं, और आपको वीडियो चेक कराता हूँ एक मिनट। सो ये रहा भाई वो वीडियो ओपन करते हैं।
और यहाँ पर देख सकते हो ये है नॉर्मल, ठीक है, मतलब पहले हमने जो रेंडर किया था जिसमें मोशन ब्लर इफेक्ट लगा नहीं है। सो आप ये देख लो भाई, इसमें आपको साफ साफ फ़र्क दिख रहा होगा। सो आप लोग देख सकते हो भाई, आप लोग यहाँ देख लो भाई, राइट साइड देख लो या फिर इसके लेफ्ट साइड देख लो, मोशन ब्लर नाम का कोई चीज़ ही नहीं भाई। ये देख लो, मैं जूम कर देता हूँ, ये देख लो भाई, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी देख लो भाई, कहीं पर भी मोशन ब्लर इफेक्ट लगा नहीं है। और अभी वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ, देख लो फिर से वीडियो। सो ये देखो, मतलब कुछ ऐसा, मतलब वेव नहीं लग रहा कि भाई हाँ फास्ट मोशन है या फिर मोशन कुछ है, ठीक है। अभी भाई इसका नेक्स्ट वीडियो चेक करते हैं जिसमें अपन लोगों ने मोशन ब्लर इफेक्ट अप्लाई किया है। ये कर दिया स्टार्ट, और अभी स्टॉप पे मोशन ब्लर इफेक्ट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि भाई ऑलरेडी भाई बाइक अगर स्टॉप है तो क्या ही दिखेगा। आपने देखा थोड़ा सा ऐसे स्टार्टर में मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, तो गाड़ी आगे बढ़ गई थी। और आप देख सकते हो मोशन ब्लर इफेक्ट भाई 100% वर्क कर रहा है। आप साइड बाई साइड देखा करो, क्योंकि बीच वाला भाई होगा नहीं और सामने का होता नहीं, साइड बाई साइड आप लोग चेकआउट करो। सो आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड मोशन ब्लर दिख रहा होगा, होप करता हूँ। मैं स्टॉप कर देता हूँ, फिर देखो, देख रहे हो आप लोग, राइट साइड देख लो, लेफ्ट साइड देख लो भाई, दोनों साइड मोशन ब्लर अप्लाई हो चुका है। और ये भाई देखने में बहुत ज़्यादा क्रेजी दिखता है, बहुत मज़ा आता है। सो आप देख सकते हो गाड़ी वाला भाई भी मतलब अलग सा ही फैल गया है भाई, बहुत अजीब दिख रहा है। लेफ्ट साइड में आप वो बड़ी वाली गाड़ी देख लो भाई, दोनों भी वैसे ही है, मतलब मोशन ब्लर की वजह से भाई दोनों कुछ ब्लरी टाइप हो गया, या फिर ऐसा दिख रहा है कि भाई बहुत फास्ट जा रहा हूँ। जो वीडियो रहती है उसमें से भाई मैं एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ, और भाई उसका कुछ ऐसा थंबनेल बना लेता हूँ। सो ऐसा कुछ थंबनेल, और ये मैं वीडियो बनाने के पहले ही थंबनेल बना चुका हूँ। सो अब वीडियो में बने रहो भाई, एंड में बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको। सो Insta360 आप देख चुके हो कि भाई Insta360 में कैसे मतलब मोशन ब्लर इफेक्ट डाला जाता है। और अभी आता हूँ भाई GoPro पे, क्योंकि GoPro वाले बंदे भी भाई बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे में लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं भाई आपने GoPro क्यों नहीं लिया। तो देखो, मेरे को 360 रिकॉर्डिंग भी चाहिए थी, और ऐसे जैसे आप लोग देख रहे हो लैंडस्केप मोड में मैं वीडियो अपलोड किया हूँ ये, तो मैं सोचा था भाई मेरे को ऐसे भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है एक मोटो व्लॉग के लिए। तो दोनों चीज़ भाई एक ही कैमरे में हो जाती है, तो गलत क्या है, मैंने Insta360 ले ली। तो इसमें बस थोड़ी सी वो वाली क्वालिटी नहीं मिलती जो GoPro में मिलती है, पर डिसेंट क्वालिटी है जिसने भाई लोग इन्जॉय कर ले मेरी वीडियो। सो मेरे हिसाब से ठीक है Insta360 लेना। अभी भाई बात करते हैं GoPro वालों के लिए। सो GoPro वालों, तुम लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, जल्दी से जल्दी मेरा दोस्त का चैनल मोटो बॉय, अभी मैं उसके चैनल का, सॉरी चैनल का ही नहीं, मैं उसका मोशन ब्लर इफेक्ट कैसे डालते हैं उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। सो आप जाके उसके वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भाई मोशन ब्लर इफेक्ट आप GoPro में कैसे लगा सकते हो, क्या सेटिंग करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है, उसने अच्छे से बताया है। तो मेरे हिसाब से वो ठीक रहेगा आपको, क्योंकि भाई अगर मैं GoPro यूज़ नहीं करता तो मैं उसके बारे में जानकारी YouTube से लेके आपको दूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जो एक्चुअल में यूज़ करता है वो और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। सो भाई अभी देता हूँ एक और अपडेट। सो अपडेट में भाई ऐसा है कि आप बहुत सारे लोगों को कमेंट है कि भाई चैन नॉइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे बाइक का। सो चैन नॉइज़ रिड्यूस करने का, मतलब चैन नॉइज़ पूरा ख़त्म करने का, ऐसा कुछ आपके कमेंट्स है। सो मैं उस कमेंट पर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है भाई, कि जो हाउ टू रिड्यूस चैन नॉइज़। सो अगर चैन नॉइज़ आपकी भी आ रही है, सो होप करता हूँ उस वीडियो के लिए वेट करोगे। फिलहाल भाई मैं आ चुका अपने घर के पास, और भाई लोग मैंने अपना चैनल का कैटेगरी मैंने चेंज किया, और इतने दिनों से मेरा चैनल कैटेगरी एंटरटेनमेंट में था। सो अभी मैंने पीपल एंड ब्लॉग में किया है, सॉरी ब्लॉग BLOG ऐसा कुछ तो है। सो मैंने अब ऐसा कुछ कैटेगरी मैंने चेंज किया है। सो पता नहीं वीडियोज़ के व्यूज़ थोड़े से कम हुए, पर अपने सब्सक्राइबर बेस अच्छे हैं भाई, तो इसलिए उतना कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा मुझे। फिर भी ठीक है भाई, अब देखते हैं भाई आगे अपना चैनल कैसे जाता है। आप लोगों का सपोर्ट रहता ही है, और आप जैसे ऑडियंस है मेरे पास, इसलिए भाई अपन लोग इतना ग्रो कर रहे हैं भाई धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा है भाई मेरे लिए तो, इतनी बड़ी बात है। एक साल में भाई आप लोगों ने मेरे को 6800 प्लस सब्सक्राइबर आप लोगों ने दिए हैं भाई, तो दिल से थैंक यू सो मच भाई लोग। कमेंट करके ज़रूर जाना, आपके कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में पक्का दिखाऊंगा। फिलहाल आ चुका हूँ भाई मैं अपने घर के पास, और अब ज़्यादा कुछ नहीं भाई, अब घर पे जाना भाई, नहा धोवा के थोड़ा खाना वाना खा के अब बैठूंगा वीडियो एडिटिंग करने में। और आपके जो क्वेश्चन है भाई मेरे रिलेटेड आप मेरे को पूछ सकते हो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था भाई आपको जो भी क्वेश्चन रहे या फिर जो भी मतलब कंटेंट आप चाहते हो, जिसमें अभी फिलहाल मैंने आपको कंडीशन बताया कि कैसे कंटेंट आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, सो आई विल मेक भाई, ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। भाई अगर आप लोगों को मेरे को सपोर्ट दिखाना है तो भाई मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, होप करता हूँ आप मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करोगे। सो भाई दिल से थैंक यू मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए, और भाई ऐसे ही वीडियोज़ मेरे चैनल पे आते रहते हैं, और बहुत सारे कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे मैंने कंटेंट बना के रखे। सो होप करता हूँ आप लोग जाके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करोगे। और भाई लोग कल के जैसे फिर से आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड, मिलते किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।